को सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारे आंदोलन में इतनी शक्ति है, राम रतन की वर्दी हम उतरवा देंगे। तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, दूसरों का मजदूरी करके हम लोग जीते खाते हैं, तो हम लोगों को ये सरकार उजाड़ देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जैन साथियों, मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ और आज जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ उस लड़ाई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। वास्तव में जब बात जीवन और जमीन की होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। हमारे साथ मातृशक्ति है और मातृशक्ति जब किसी भी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ती है तो परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। और साथ में हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ की जो महिलाएं हैं जो ज़मीन की लड़ाई लड़ रही हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मेरी फाउंडेशन आप सभी का, आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं ज़मीन की, आप जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हैं उससे आपके बच्चों का जो भविष्य बनेगा, जैसे भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत जो है जो विमान के लिए हवाई जहाज़ का जो पट्टी बन रहा है उसमें आपके परिवार को रोज़गार मिलेगा, लेकिन फिर लड़ रही हैं आप लोग। सुनिए भैया, अगर हम लोगन के सरकार उजाड़ दे तो हम लोग कौन सा रोजगार मिली। हम लोगों को एयरपोर्ट ना चाहिए भैया, हम लोग सिर्फ अपन घर जमीन मकान चाहिए, हमके एयरपोर्ट ना चाहिए। हम लोग हवाई चप्पल पहने वाला आदमी हवाई जहाज पर चढ़े भर के औकात ना हम लिखा। यानी हमको अपनी जमीन चाहिए, जमीन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई आप कितने दिन से लड़ी, ये आंदोलन कब से कर रहे हैं भैया? आज इस धरने का 100 दिन पूर्ण हो गया है। हम लोग आज रैली निकाले थे। अब वो देखिए डीएम कितने घोटाला किए हैं, हम लोगों को परेशान करते, बच्चों को फीस नहीं दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे हैं। डीएम के कितने खर्चा में डीएम में जनता को डाले हैं, अपने खुद फंसे हैं। हैं ये बताइए डीएम को, हम लोगों को गरीबी नहीं पता है, हम लोगों की मजबूरी उनको नहीं पता है। अगर वो जो डीएम एसडीएम जो हैं वो ही जैसे हम लोग अपने माँ के पेट से पैदे हैं, वो भी अपने माँ के पेट से पैदे होंगे, वो भी किसान के बच्चे होंगे, आज पढ़ लिख के आज सहयोग पा गए तो आज वो डीएम एसडीएम हो गए। आज हम लोगों की मजबूरी नहीं बूझ रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग उनके बंगला पे घेराव करेंगे। 26 जनवरी को हम लोग किसान परेड निकालेंगे। सुनिए भैया, कहीं ना कहीं यहाँ के जो एसडीएम है उन्होंने 1.5 करोड़ का घोटाला किया है, 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है इस जमीन को लेकर। इस जमीन को लेकर बच्चों की स्कूल में जो स्कॉलरशिप आती है वो सब चीज का घोटाला किया है। और रोज प्रतिदिन हमारे यही हवाई अड्डे पर आज 10-5 लोगों को लेकर आकर वहाँ पर बैठता है। यहाँ से आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि जब उड़ान भरी जाएगी तो देश विदेश के लोग सफर यहाँ पे करेंगे, तो ये तो आपके लिए फायदे की चीज़ है। नगर तो है, गोरखपुर में है, बनारस में है, और क्या जरूरी है आजमगढ़ में है, लखनऊ में है, बम्बई में है, दिल्ली में है, क्या जरूरी है आजमगढ़ में हवाई अड्डा बनने? हमको आजमगढ़ में आवश्यकता नहीं हवाई अड्डा। एक बात ये सुन लीजिए, जो वहाँ का कंधरापुर का राम रतन सिंह दरोगा है वो मुझे कह रहा है कि किस्मती को जो पिकअप है उसका पिकअप निकाल देंगे, हम उनकी वर्दी उतरवा देंगे। हमारे आंदोलन में इतनी शक्ति है, राम रतन की वर्दी हम उतरवा देंगे, वो आ जाए मेरे पिकअप पे टच करे तो देखिए हम उनकी क्या हालत बना देंगे पूरे महिलाओं को लेकर। जिस पिकअप से आप लोग प्रचार करो उस पिकअप बोल रहे हैं, उनकी पिकअप का हम क्या हाल बना देंगे, तो हम उनकी वर्दी के सहित उनके क्या हाल बना देंगे राम रतन सिंह दरोगा के कंदरापुर के जो है। इसमें जो है कितने गांव जो आए हुए हैं जब ये हवाई अड्डा बन रहा है, भैया ये बड़ा बेइज्जती में ना बहुत बहुत समोसा देते रहने तो और कहां है, दिन भर ना दिन भर बेलचा लेके सड़क पर जो गिट्टी बालू नहीं गिरता है वही सब करते हैं। हम लोग मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, दूसरों का मजदूरी करके हम लोग जीते खाते हैं, तो हम लोगों को ये सरकार उजाड़ देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। किसी को खेत अधिया बोल लेते हैं, किसी की मजदूरी पे काट लेते हैं, किसी की रोपाई कर लेते हैं, हम लोग अपनी मजबूरी बहुत जीवन जीने के लिए कुछ करते हैं। साथियों, हम लोग इस समय आजमगढ़ में और आजमगढ़ की जो महिलाओं के साथ बातचीत हो रही थी उस बातचीत में इन्होंने अपनी जो पीड़ा उन्होंने बताया। कहीं ना कहीं किसान और मजदूर जो है जमीन को ही, जमीन से ही उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज है और जमीन से ही पैदा अनाज पैदा करके अपने आप को खाते पीते हैं और वहीं से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, अपनी सारी चीजों को जो है उस जीवन के उसी जमीन से जो है जीने का काम करते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो दर्द है वो बहुत ही जायज है। मेरा नाम संपूर्णानंद मल है, मैं गोरखपुर से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ खिरियाबाग आजमगढ़ में बन रहा है जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रपोजल है उसके विरोध में इन्हें नहीं 100 दिन
आज ही पूरा हुआ है। मैं आया हूं और इस सरकार से और व्यवस्था से निवेदन करता हूं कि कम से कम पेट पर लात मारने का ये जालिम अपना आदेश वापस ले लें। यहां किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। अरे यह गरीब जगह है, छोटी छोटी जमीनों में गरीब अपना जीवन चला रहा है। तुम क्या यह पेट लोगों का जीवन छीनने का प्रयास कर। मैं तुम्हें यही कहने आया हूं कि आप इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो इसको मैं PIL दायर कर दिया हूं सुप्रीम कोर्ट में। वैसे भी ये नहीं छीन सकते, लेकिन मैं पुनः इनसे निवेदन करता हूं और प्रामिस करता हूं कि क्रिया बाग की 1 इंच जमीन मेरी लाश पर निकल सकती है, वैसे कोई ले नहीं सकता। हाँ, किसान इसलिए ये चुनौतियाँ हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, उनको ये वापस नहीं ले रहे हैं। और यहाँ मैं आके देखा हूँ कि ये कहाँ एक ठो पुराना एरोड्रम है जिस पर राड़ा घास और सब मूज फैला हुआ है, वहाँ कोई जहाज उतरती नहीं है, कोई उससे प्लेन से उतरने का रिश्ता नहीं है। गरीब इलाका, छोटी छोटी जोतें, किसी के पास 2 बिस्वा, किसी के 1 एकड़ का कोई प्लाट नहीं दिखाया। मैं 11-12 बजे से इनके जलूस के साथ कई गाँवों में गया हूँ, घूमा हूँ, कहीं नहीं दिखाई दिया। तरकारी बो के कोई सब्जी बोया है, कहीं अरहर है, कहीं आलू है, ऐसे बो के ये गरीब लोग जिंदा है, इनके पेट पर लात मारता है ये जो है ये आतंकी हुकूमत। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है, उसका हम कुछ अभी इस समय नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान किसान और मजदूरों का देश है, ठीक है ना। जिनकी जुबान बंद है, जो आप पेट भर खाना जिनको नहीं है, दिन भर श्रम करता है तो अपने 10 परिवार के लिए 400 रुपये में जिंदा रखता है, उनको ये नहीं, उन्हीं से इनको छीनना है ना, उनसे छीन के अमीरों के लिए तैयार करना है। दूसरे ये हमारी छीन लेंगे, हमारे घर जो है ये छीन लें, इनको जरा बता दीजिए छीन लें। चूंकि आपकी पहचान समाज सेवी के रूप में रही है और पूर्वांचल का गांधी भी आपको कहा गया है, अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग की गई थी कि यहाँ के किसान सहमत हैं, जबकि यहाँ के आने पर पता चला कि नहीं है, इस पर कुछ पता चला? एक किसान सहमत नहीं है, ये वो भेड़िए हैं दाना चारा डाल के, जो तरह बहेलिया क्या करता है ना कि जाल नीचे बिछा के उस पर दाना फेंक देता है और चिड़िया उसमें आके बस जाती है, उसका चाम निकाल के खा के बाजार में बेच देता है, उसी दाने का लोभ है। ये पैसा दे के लोगों को खरीदना चाहते हैं, और जब एक बार ये लोग अपनी जमीन बेच दिए और उनको दे दिए, विस्थापित हो गए, तो इनके बच्चे भिखारी हो जाएंगे, महिलाएं घरों में बर्तन धोएंगी शहरों में बड़े लोगों के यहाँ, और ये लोग मर जाएंगे सड़क के किनारे। और क्या क्या करना चाहते हैं इस आंदोलन को? अभी सूचना मिल रही है कि अर्बन नक्सल कहा जोड़ा जा रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी? आप छोटी छोटे मुद्दों पर अर्बन नक्सल, तो मुझे तो सेकुलर कीड़ा कहा जाता है, पाकिस्तान भेजने की बात मुझे कहा जाता है, सारा डॉक्यूमेंट उसमें पड़ा है फेसबुक पर, कहते रहे ना मुझे लिखे अर्बन नक्सल, क्या करेंगे? मैं अर्बन नक्सल इसलिए हूँ कि मैं 58 साल की उम्र में कुदाल चलाता हूँ, 10,000 वृक्ष का बाग लगाया हूँ, 50 यूनिट ब्लड दे चुका हूँ हिंदुस्तान को के गरीबों के बचत के लिए। एक पैसा कोई किसकी मजाल है कौन अर्बन, मुझे कहो ना अर्बन, जितना कह दीजिए अर्बन नक्सल कहे, लेकिन जमीन खिरिया बाग की 1 इंच नहीं जाने दूंगा। अगर सरकार इस निर्णय पर अपने अटल रही तो आप क्या करेंगे? अरे हम कर चुके जो करना है, मैंने 16, 17, 19 और 20 को आज सवेरे 7 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को 4 PIL भेज चुका हूँ, उसमें यही प्रे किया हूँ कि हमारा जीवन, हमारा मौलिक अधिकार है, वो न छीना जाए। और इनकी अब ये देखिएगा, यदि जमीन ले लेंगे, ले नहीं सकते हैं जमीन, कलेक्टर साहब को PIL मिल गया है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर वो ऐलान करेंगे कि हम जमीन अब अधिग्रहण की कार्रवाई समाप्त करते हैं, अब वो मामला न्यायालय में गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार और जो जालिम लोग इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं, गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं, अभी वक्त है, मैं कह रहा हूँ कि आहिस्ता से और मुस्करा के यह अपना क्रूर और आदेश वापस ले लीजिए। यहाँ किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं लेने नहीं दूंगा 1 इंच जमीन।